जय हिंद गाइस। आज की वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि बिगर एडिटिंग के मेरी वीडियो देख सकते हैं कैसी होती है। हो गई स्टार्ट। जय हिंद गाइस। आज की इस वीडियो में हमारे पास है ये बोतल जिसमें हमने पानी भर लिया है गाइस। इसमें पानी भरा है तो ये रही हमारे पास एक LED है और यहाँ पे एक बैटरी है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि हम इनके इस्तेमाल से 100 वाट की बल्ब बनाने वाले हैं। गाइस ये सिंपल आइडिया है, काफ़ी सिंपल है। और ये बोतल के इस्तेमाल से हम नॉर्मली LED की जो रोशनी होती है कुछ इतनी होती है, दिखा दे रहा हूँ एक बार मैं। तो यहाँ पे मैं इसे छील ले रहा हूँ एक बार, तो यहाँ पे मैं इसे छील लेता हूँ ये जैसे। और उसके बाद नॉर्मली LED की रोशनी जो है कुछ इतनी रहती है, इतनी। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है गाइस, लेकिन अभी जो LED की रोशनी है वो कुछ इससे भी भारी होने। एक बार मैं लाइट बुता के सब गल के दिखा दे रहा हूँ। लाइट क्या बुताऊँ गाइस, अभी बुत तो जाएगी, मज़ा नहीं है। देख सकते हैं नॉर्मली LED की रोशनी कुछ ऐसी होती है, लेकिन अभी मैं इसके अंदर बल्ब लगाने वाला हूँ। उसके बाद देखना आप कमाल क्या होता है। ये 100 वाट बल्ब जितना पावर हो जाएगी इसके अंदर, देख लेना आप। अभी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो अभी मैं इसे रख दे रहा हूँ, इसमें सब पानी भरा है गाइस, इसे हम साइड में रख दे रहे हैं। तो इसमें हम होल कर लेंगे, देख लेना है गाइस। इसमें अभी हम होल करते हैं। तो गाइस ये बोतल के ढक्कन में हम थोड़ा छोटा सा एक होल करेंगे। तो अभी होल करते हैं हम। तो गाइस इसमें हम इतना ही होल करेंगे ताकि हमारे LED फिट आ जाए, और ज़्यादा बड़ा होल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे छोटा बहुत होल, थोड़ा बहुत छोटा होल है, तो अभी और बड़ा कर ले रहे हैं एक बार। तो भाई होल हमने कर लिया है और इसमें हम LED को सेट कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। पास आके दिखा, पाक लगे दिखाने मारे सारे एक तमाचा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरीके से हम इसमें LED को सेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे दबाएंगे, ये देखिए हमारी LED इसमें सेट हो चुकी है कुछ ऐसे। तो गाइस अभी क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं LED दिख रही है। तो अभी हम इसे एक बार इसमें तार जोड़ ले रहे हैं, ये हमारा वायर है जो हम इसमें जोड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं वायर को। फिलहाल हम इसे छील ले रहे हैं, यहाँ पे हमने छील लिया। हमारे नाखून में बहुत ताकत है, आपको चाहिए तो बता देना इस तरीके का नाखून। तो गाइस हमने नाखून से ही इसे छील लिया है। राक्षस तो मत समझना, नहीं तो राक्षस समझे ला गया। तो गाइस अभी हमने इसे छील लिया और अच्छी तरीके से इस बार भी हम लगा दे रहे हैं इसमें। तो ये का वायर हमारा जुड़ चुका है, ये हमारा दूसरा वायर है, ये भी जुड़ने वाला है, बस जुड़ गया गाइस। तो अभी क्या करता हूँ मैं, इन सभी वायर को हमने जोड़ लिया है, उसके बाद अभी क्या हमारा जुगाड़ है। तो अभी हम इसमें ढक्कन को कर दे रहे हैं बंद, ये देखिए गाइस। तो अभी हम आराम से इस ढक्कन को बंद कर देंगे। तो गाइस इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है। एक पैनल लेना, घर पे बाहर पैनल लगाना, अंदर लाइट को, और एक बैटरी रख देना है, और रात में देख लेना कमाल, ये बिना लाइट के 100 वाट बल्ब पूरा रात दिन दे लेगी। तो गाइस यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें अपने बैटरी के वायर में जोड़ दे रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हम बैटरी के वायर में इसे जोड़ते हैं। तो ये रही हमारी, तो यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया है, तो लगता है गलत जुड़ गया है। तो अभी हम चेंज कर ले रहे हैं, प्लस प्लस में लगाते हैं, माइनस माइनस में लगाते हैं। तो गाइस ऐसी कंडीशन तभी होती है जब हमारे जैसे बेवकूफ़ बैठते हैं इसे। तो गाइस ऐसे कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे तार को चेंज कर दें। अभी देखना ये हमारा कितना पावरफुल बल्ब बन चुका है। तो लाइट बुता दिया जाए यहाँ की, तो यहाँ पे लाइट हम बुता दे रहे हैं। ऊपर दिखा भी नहीं, चड्ढा दिखा दिए। हाँ तो गाइस यहाँ पे हम लाइट को बुता दे रहे हैं, ये गई लाइट हमारी, और यहाँ भी लाइट को बुता दे रहे हैं।
तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा जो है एलईडी बल्ब वर्क कर रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से ये जल रहा है, एक बार दिखा दे भाई ऊपर। तो देखिए गाइस यहाँ काफी अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा, मजा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये काफी बेहतरीन है, और ये हमारी पानी जैसे छलकता है वैसे ये भी छलक रहा है। तो गाइस ये लेटेस्ट वर्जन आ चुका है एलईडी बल्ब का। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी उजाला दे रहा है, नीचे ना देखा इज्जत चली जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी उजाला दे रहा है ये बल्ब। हमारी बल्ब अगर ऐसे जलाते हैं तो कुछ इस तरीके से जलती है। एक बार हम बाहर निकाल के देख जला के, तो हमारी बल्ब जब बाहर निकालते हैं तो कुछ ऐसी जलती है। परंतु लेकिन मतलब जो होता है, मैं जब बल्ब को इसमें लगा दे रहा हूँ ऐसे, तो कुछ हमारी बल्ब की रोशनी दूनी हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो में मजा आया। हम अपन शक्ल दिखाई दी एक बार का है, ये देखिए हमारी शक्ल कितने कलवे कलवे दिख रहे होंगे हम। तो गाइस ये देखिए, तभी हम लाइट को ऑन करते हैं अपनी। तो यहाँ पे क्लैपिंग वाला खेल हो रहा है गाइस, ताली बजाते ही लाइट जल रही है। तो यहाँ पे काफी बढ़िया लैंप लगा दिया है हमने। तो ये लैंप काफी पावरफुल है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि हमारा ये कुछ इस तरीके से लैंप काम कर रहा है, यानी बल्ब जो है काम करती है। आप इसे बना सकते हैं, लगा सकते हैं, और ये काफ़ी सिंपल है गाइस, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा, पसीना पोंछ ले तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो में मज़ा आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह के लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। तो जय हिंद वंदे मातरम गाइस। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाला बटन दाब दीजिए, घंटी वाला बटन दाब दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे, अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। कैमरा बंद किया जाए, बंद करना चाहिए तमाचा। तो गाइस आपने देखा ये वीडियो बगैर एडिटिंग की थी। उसे एडिटिंग वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे एक्सपेरिमेंट वाले चैनल पर मिल जाएगी, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस। चैनल का भी है और वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे देख लीजिएगा। जय हिंद वंदे मातरम।